नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट परिच ऑफिस में आज अपने सभी दर्शकों का अपने सभी सब्सक्राइबर्स का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आया हूं दोस्तों आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तो जैसा कि दोस्तों बहुत सारे कपल्स मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, नीचे कमेंट्स में भी लिखते हैं कि सर क्या सिर्फ आर्य समाज मंदिर में अगर हमने शादी करी है या अगर हम आर्य समाज मंदिर में शादी करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट पर्याप्त होता है या वैलिड होता है या नहीं होता है, या अगर हम आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं तो वो शादी कानूनी तरीके से उसकी कोई मान्यता होती है, वैलिड होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को, मेरे सभी दर्शकों को इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्य समाज मंदिर में शादी करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप दोनों लोग अगर बालिग हो चुके हैं तभी आप अपनी आर्य समाज मंदिर में आप अपनी शादी कर सकते हैं। और इसी के साथ में जैसा कि मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूं, जो बालिग होने की जो उम्र होती है वो बॉय की, लड़का जो है उनकी कम से कम 21 साल जरूर होनी चाहिए, उससे एक भी दिन अगर कम होगी तो शादी नहीं हो पाएगी। और जो गर्ल है उनकी कम से कम 18 साल जरूर होनी चाहिए, अगर उससे भी एक दिन कम है तो शादी नहीं हो पाएगी। तो अब दोस्तों मैं आपको इसकी वैलिडिटी के बारे में बता देता हूँ। जो आर्य समाज मंदिर की शादी जो होती है, तो आर्य समाज मंदिर जो जैन जो मंदिर है, जो रजिस्टर्ड मंदिर है, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है दोस्तों, और यदि वो आपके अपने यहाँ शादी अगर कराते हैं तो जैन मंदिर में अगर आप शादी करेंगे तो वो दोस्तों आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और आप लोगों का डेटा मेंटेन करते हैं। यानी कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका आयु का प्रमाण पत्र है, वो आपसे वो मांगेंगे। और आप लोगों के जो एफिडेविट्स हैं जो शादी के टाइम में बनते हैं, वो शादी के आपके एफिडेविट्स होने चाहिए, शपथ पत्र जो होते हैं जिसमें आप दोनों की स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, और उसी के साथ में जो दो गवाह है विटनेस उनका आईडी प्रूफ और उनके जो है फोटोग्राफ्स उनके पास आपके पास में होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लेके जब आप यहाँ कोर्ट मैरिज ऑफिस में आते हैं अपने, तो यहाँ आपके दोस्तों वो पेपर्स आपके बनवाए जाते हैं। वो पेपर्स जब आपके एफिडेविट्स बन जाते हैं तो वो मंदिर में वो जमा होते हैं दोस्तों, वहां पे उनकी एंट्री होती है, वो अपने रजिस्टर में लड़का लड़की दोनों की एंट्री करते हैं, आप लोगों के सिग्नेचर होते हैं वहां पर। इस प्रक्रिया में तकरीबन 1-1.5 घंटे का इसमें समय लग जाता है, और 1-1.5 घंटे में आप दोनों लोग लीगली दोस्तों हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं। इसमें सिर्फ 1 या 2 घंटे का प्रोसेस इसमें लगता है। तो यानी कि 2 घंटे बाद में दोस्तों आपकी शादी को कोई भी खत्म नहीं करवा सकता। तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो बिल्कुल जेन्युइन होता है, पूरी तरीके से वैलिड होता है। आर्य समाज मंदिर में करी हुई शादी पूरी तरीके से वैलिड होती है। तो यदि कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा अगर बोलता है कि आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती या आर्य समाज मंदिर की शादी की मान्यता नहीं होती, तो ऐसा दोस्तों कहना बिल्कुल गलत है। आर्य समाज मंदिर में की भी शादी, लेकिन मंदिर जेन्युइन होना चाहिए दोस्तों, सर्टिफिकेट आपके पास में जेन्युइन होना चाहिए। अगर ये आपके पास में है तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 1 या 2 घंटे में आप दोनों लोग लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, आप लोग पति पत्नी हो जाते हैं, और उसके बाद में कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यदि आप अपनी आर्य समाज मंदिर से रिलेटेड, अगर आर्य समाज मंदिर की शादी करने से रिलेटेड अगर आप मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए दोस्तों। और यदि आप अपनी लव मैरिज के बारे में अपनी कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, या आप अपनी कोर्ट मैरिज करने की, अपनी लव मैरिज करने की अपॉइंटमेंट अगर बुक करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप अपनी कोर्ट मैरिज करने की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ सुझाव हो तो दोस्तों आप नीचे आप जरूर लिखिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। और मेरी ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उनके साथ में आप शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को जो उनके माइंड में अगर कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका समाधान नहीं मिल रहा है, तो उनके जो है उत्तर उनको मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।